हमारा एफोटिक जोन, ठीक है। तो ओशियनिक जोन इज डिवाइडेड इनटू यूफोटिक जोन एंड एफोटिक जोन ड्यू टू द लाइट पेनिट्रेशन। लाइट कहाँ तक पहुंची है और कहाँ पर नहीं है, उस बेस पर आपने दो हिस्से बना दिए अपने ओशियनिक जोन के। पहला हिस्सा है हमारा यूफोटिक जोन, और यूफोटिक जोन डेफिनेटली वहाँ लाइट बहुत अच्छी है और पूरी एंड तक मौजूद है। इट कंटेन लार्ज नंबर ऑफ फाइटोप्लैंक्टन्स इन अ यूनिट एरिया। एक यूनिट एरिया में यहाँ पर क्या होगा, फाइटोप्लैंक्टन्स बहुत। जैसे मिसाल के तौर पर यूनिट एरिया किसे कहते हैं, आप कहते हैं कि ये पूरा हमारा समंदर है, ओशियनिक जोन है। इस ओशियनिक जोन में हमने 1 मीटर बाय 1 मीटर यूनिट ले लिया, तो 1 मीटर बाय 1 मीटर जो सरफेस एरिया है वहाँ के पानी में कितना फाइटोप्लैंक्टन्स है, तो वहाँ बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में फाइटोप्लैंक्टन्स मौजूद होते हैं, ठीक है जी। इन दिस जोन स्पीशीज आर लेसर इन नंबर देन द कोस्टल एरिया। अब ये एक बात है जिसको हमें आपके सामने रखें। अगर तो मिसाल के तौर पर सपोज करते हैं हम कि हमारे कोस्टल एरिया पर, ठीक है, 100 डिफरेंट स्पीशीज हैं, तो यहाँ यानी कि ओशियनिक जोन में सपोज टू बी के 50 स्पीशीज में, ठीक है। लेकिन ये याद रखिए कि यहाँ पर स्पीशीज कम है मगर क्वांटिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म वो लार्जर देन द कोस्टल एरिया। मिसाल के तौर पर मैंने आपसे कहा कि 100 स्पीशीज हैं, लेकिन अगर हम देखेंगे काउंट करेंगे तो भाई मिसाल सपोज कि 2 बिलियन वहाँ एनिमल्स या प्लांट मौजूद हैं। लेकिन अगर आप ओशियनिक जोन की बात करेंगे तो वहाँ पर स्पीशीज 50 हैं लेकिन नंबर ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर 4 बिलियन। ये मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर बेतहाशा एनिमल्स और प्लांट की क्वांटिटी मौजूद है, लार्जर नंबर होते हैं, और उसकी बेसिक वजह डेफिनेटली एरिया बहुत बड़ा है। तो एरिया बड़ा है तो वहाँ एनिमल्स और प्लांट्स भी ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं। और हमारा जो नियार्टिक जोन था उसमें एरिया छोटा है, लिहाजा वहाँ नंबर ऑफ एनिमल्स कम होते हैं मगर नंबर ऑफ वैरायटी या स्पीशीज वहाँ पर आपको ज़्यादा मिलती है, ठीक है। अब ये जो यूफोटिक जोन है इसमें डेफिनेटली लाइट बहुत अच्छी है, तो अच्छा फाना मौजूद है, अच्छा फ्लोरा मौजूद है। एफोटिक जोन में चूँकि डार्क जोन ऑफ द सी, समंदर का अंधेरे वाला एरिया इसे हम कहते हैं, क्योंकि यहाँ लाइट नहीं जा सकती, नहीं पहुँच सकती, तो बिल्कुल अंधेरा होता है। इतना अंधेरा होता है कि हम अगर वहाँ हैं मौजूद और हमारे हाथ पे कोई लाइट नहीं है हमारे पास, तो हमें अपने बराबर वाला हाथ भी नज़र नहीं आएगा, ठीक है, इतना डार्क होता है, इतना अंधेरा होता है। इट कंप्राइजेस ऑफ बेथल अपर और ए बाइसल लोअर जोन। अब आप अगर सपोज कर लें कि ये हमारा समंदर की हम डेप्थ में जा रहे हैं, तो समंदर की डेप्थ में ये ऊपर वाला जो एरिया होगा ये हमारा बैथल जोन कहलाएगा, जिसमें अंधेरा तो है लेकिन कितना अंधेरा, बिल्कुल डार्कनेस नहीं भाई। जब जिस लाइट पर आप बात कर रहे हैं जो कि ऊपर वाला एरिया है, बिल्कुल ये है ना, ये कौन सा है, ये यूफोटिक जोन है, यूफोटिक जोन। तो ये वाला एरिया यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो है वो एफोटिक जोन है, लेकिन एफोटिक जोन में इतना एरिया हमारा बैथल जोन कहलाएगा। उसकी बेसिक वजह है कि यहाँ पर अंधेरा बहुत ज़्यादा नहीं है, वो अंधेरा डार्कनेस नहीं है, क्योंकि लाइट यहाँ से कुछ ना कुछ पेनिट्रेट होगा, छन कर, जिसे आप कहते हैं ना,
वो यहाँ जा रही है, और वो बहुत ज़्यादा नहीं होगी लेकिन थोड़ी बहुत होगी। तो और जो ए पाइसल होगा वहाँ बिल्कुल अंधेरा होगा। बाइथल जोन इज द कॉन्टिनेंटल स्लोप रीचिंग अप टू 2000 मीटर। तो जो बाइथल जोन होगा वो हमारा 201 मीटर से लेकर 2000 मीटर तक होगा। ठीक है, यहाँ पर एनिमल्स आर फिल्टर फीडर। फिल्टर फीडर के बारे में हम पढ़ चुके हैं कहीं पर जिक्र, और अगर हमें याद हो तो शायद याद हो, लेकिन हम दोबारा आपको बता देते कि ऐसा एनिमल जो कंपोनेंट्स को लाइक सॉइल को या पानी के कंपोनेंट्स को फिल्टर कर रहा हो और वहाँ से अपने लिए फूड ऑर्गेनिक मटेरियल इनऑर्गेनिक मटेरियल को एब्जॉर्ब कर रहा हो तो उसे हम फिल्टर फीडर कहते हैं। फिल्टर यानी छानने वाला, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है समंदर के लिए भी और हमारी पूरी बायोस्फीयर के लिए। क्यों? टेस्ट में क्या आएगा जी? बिल्कुल, सबसे पहले लगता है टेस्ट सी के बारे में बता दें ताकि हमारी टेंशन खत्म हो जाए। जनाब मैं लिख देता हूँ MCQs बेस्ड जो टेस्ट होगा आपका, ठीक है, वो चैप्टर 11 प्लस 12, ठीक, जबकि डिस्क्रिप्टिव जो आपका टेस्ट है उसमें चैप्टर नंबर 3 का रिमेनिंग पार्ट। क्लियर जी? ये सबको मैंने मैसेज कर दिया है। तो MCQs जो होगा वो चैप्टर 11 प्लस 12 का, अगर 12 खत्म हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं खत्म हुआ उस वक्त तक तो फिर जहाँ तक हमारा हुआ होगा वहाँ तक ही आप बात कर रहे होंगे। और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो है वो हमारा जब भी आपका लिया जाएगा तो उसमें हमारा चैप्टर नंबर 3 का जो रिमेनिंग पार्ट है बचा हुआ हिस्सा वो आपके लिए होगा। सही, तो ये हो गई हमारी बात टेस्ट के लिए, तो उसको नोट कर लीजिएगा। अच्छा जी, उसके बाद हम बात करते हैं बैथल जोन के बाद हम अपने एबाइसल जोन में। दिस जोन इज रिच इन ऑर्गेनिक मटेरियल्स या रिमेन्स ऑफ द शेल्स। शेल यहाँ पर काफ़ी तादाद में होते हैं और ऑर्गेनिक मटेरियल बहुत होता है। समंदर में जो हम फिल्टर फीडर का थोड़ा सा आपको इम्पोर्टेंस बताना चाहते थे वो ये कि समंदर में असल में पूरी जो हमारी बायोस्फीयर है तो बारिश होती है, पानी हमारे दरियाओं में बहता हुआ आता है और दरिया समंदर में गिर जाता है। तो उस दरिया में जितना कंपोनेंट है उसमें जो मटेरियल आ रहा है वो सारा समंदरों में जमा होता है। ये समंदरों में आज से नहीं, जब से दुनिया बनी है जब से जमा हो रहा है। तो अगर वहाँ पर फिल्टर फीडर ना हो तो समंदरों की तह लेयर आहिस्ता आहिस्ता मोटी होने लग जाएगी और पानी ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो फिल्टर फीडर चूँकि उस आने वाले ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल को एज अ फूड यूज़ कर रहे होते हैं तो वो आपके समंदर की जो लोअर लेयर उनके उसका जो फ्लोर है उस पर तह नहीं बनाने देता और समंदर का जो साइज है यानी डेप्थ वो अपनी जगह पर रिमेन कॉन्स्टेंट रहती है। बहुत बारीक सी लेयर बनती है, बन रही है, लेकिन वो इतनी बारीक नहीं है कि हमारे आने वाले चंद हजार सालों में समंदर ऊपर की तरफ उबल कर बाहर आ जाए। ठीक है, एबाइसल जोन में हमने कहा जी ऑर्गेनिक मटेरियल मौजूद है क्योंकि ये बिल्कुल लोएस्ट पार्ट है, हमारा फ्लोर है, और यहाँ पर चूंकि लाइट बिल्कुल नहीं, अंधेरा है, तो लाइफ ऑफ द प्लांट इज टोटली एब्सेंट। पौधे यहाँ पर किसी भी किस्म के ग्रो नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनको फोटोसिंथेसिस के लिए रोशनी की नीड है और रोशनी यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होगी। इन दिस रीजन डीकम्पोजर्स एंड स्कैवेंजर्स आर प्रेजेंट। यहाँ पर डीकम्पोजर्स मौजूद होंगे और स्कैवेंजर्स आपको मालूम है जो शिकार के बचे कुचे कंपोनेंट्स खाने वाले वो
यहाँ मौजूद होंगे। फिशेज आर स्मॉल इन साइज, मछलियों जो यहाँ प्रेजेंट हैं क्योंकि एनिमल जरूर होंगे, और उनमें अगर मछलियाँ हमारी हैं तो वो साइज में छोटी हमें नजर आएंगी। विच हैव लार्ज माउथ एंड दे पॉसेस लुमिसेंट आई, उनका मुंह बड़ा होगा और उनकी पास एक स्पेशल ऑर्गन जिसको लुमिसेंट ऑर्गन कहा जाता है वो मौजूद होगा। नीमो सबने देखी होगी यकीन है, ठीक है ना। तो नीमो में एक जगह ऐसी आती है कि जब वो फादर उसका नीचे चला जाता है डेप्थ में, और वहाँ डेप्थ में जाने पर उसका सामना एक ऐसी मछली से हो जाता है जिसके माउथ के सामने एक बल्ब सा जल रहा होता है, और वो उसे लाइट ही समझता, बल्ब ही समझता, लेकिन एक्चुअल वो क्या है, लुमिनेसेंट ऑर्गन है और शिकार करने के काम आता है। लाइट जल रही होती है तो इस जोन में जो एनिमल है वो इस लाइट की तरफ आ रहा होता है, यार ये लाइट जल रही है चलो अंधेरा खत्म हो गया। और ये एनिमल यानी कि फिश जो है हमारी वो बिल्कुल माउथ के ऊपर से ही इसमें मौजूद अटैच होता है माउथ के, ये उसको खा जाती है या ईट कर लेती है। ये कहलाता है लुमिनेसेंट ऑर्गन, चमक रहा होता है, ग्लो कर रहा होता है। जैसे आपने अगर बचपन में आपको याद हो आपने फायर फ्लाई जुगनू की कहानी सुनी हो, जुगनू या फायर फ्लाई जो होती है उसके एब्डोमेन में फॉस्फोरस होता है, लिक्विड फॉस्फोरस, और वो लिक्विड फॉस्फोरस जो है वो अंधेरा जैसे जैसे बढ़ता जाएगा उसकी चमक बढ़ती चली जाती है, तो वो लुमिनेसेंट या चमकने वाला ऑर्गन कहता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी इसके पास फॉस्फोरस होते हैं लिक्विड फॉर्म में, और वो जिस ऑर्गन में हो उसे लुमिनेसेंट ऑर्गन कहा, चमकदार। अच्छा, अब इनका माउथ बड़ा होता है, माउथ बड़ा रखने की वजह नेचर ने इनको डॉक्टेशंस ये दी है कि ये छोटा या ज़्यादा क्वांटिटी में अपने फूड को कैप्चर कर सके, क्योंकि हो सकता है कि फूड इधर उधर कहीं क्रॉस कर जाए। जैसे मिसाल के तौर पे मैं ये डॉट बना दिए थे तीन, या अलग से बना देता हूँ छोटे ये तीन, अब यहाँ कोई फिश है ना और उसका माउथ जो है वो इतना बड़ा है बस, तो ये इतने तीन कंपाउंड को खा सकती है, लेकिन ये हमने बनाया तो ये इसके आगे या इसके पास जो ज़्यादा कंपाउंड अगर आए होंगे यानी जो फूड है तो ये उतने ही ज़्यादा फूड को एक वक्त में इस्तेमाल कर सकती है, खा सकती है। तो इसलिए इन्होंने माउथ अपना बड़ा रखा है कि ज़्यादा फूड कैप्चर कर सके, क्योंकि इनको नहीं पता कि फूड कितनी दिनों बाद मिलेगा दोबारा या कब मिलेगा, तो जब भी मिले ये ज़्यादा क्वांटिटी में फूड को ईट करने की कोशिश करते हैं, इसलिए इनका माउथ बड़ा। देयर आइज में भी इन लार्ज और एब्सेंट, इनकी आंखें या तो बड़ी हो सकती हैं या फिर वाइट यानी है ही नहीं, एब्सेंट है, इनसे मुराद है यहाँ जो हमारे एबाइसल जोन में एनिमल्स मौजूद हैं उनकी, ठीक है ना। तो फिर अगर मौजूद हैं तो बड़ी होंगी साइज में, और अगर नहीं है तो फिर बिल्कुल ही एब्सेंट होगी, ठीक है जनाब। बड़ी होने की वजह लाइट ज़्यादा ज़्यादा जो लुमिनेसेंट ऑर्गन जल रहा है ये ऑन है, ये ज़्यादा ज़्यादा रोशनी को कैप्चर करके देख सकें, और अगर एब्सेंट होने की बेसिक वजह कि उनके पास लुमिनेसेंट ऑर्गन नहीं होगा तो उनको लाइट की कोई टेंशन नहीं है, लाइट है कि नहीं है, वो अंधेरे में अपने सेंस ऑर्गन के थ्रू अपने फूड को और अपने हैबिटेट को यूज़ कर रहे हैं। ये हमारे पास एक हमने और डायग्राम आपको शो करने ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए, ये नियार्टिक रीजन है, और नियार्टिक रीजन में हमने आपसे कहा था कि वो स्लोप थोड़ा सा स्लो आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाता है, और उसमें तीन हमने आपको टाइडल जोन बनाए थे। ये वाला एरिया जो मैं आपको कलर से शो कर देता हूँ ताकि ईजी रहे, ये वाला एरिया जो हाई टाइडल सुप्रा टाइडल जिसे आपने कहता है वो जोन, और ये हमारा लोएस्ट या लो टाइड जोन है, और इन बिटवीन इसके इंटर टाइडल जोन है।
फिर उसके बाद जब नीचे आते हैं तो अचानक कॉन्टिनेंटल शेल्फ, पहाड़, चट्टाने, वो क्या करती हैं, बहुत तेजी के साथ उनका डेप्थ बढ़ना शुरू होता है। ये वो एरिया था जिसमें हमने कहा कि जनाब लाइट या यूफोटिक जोन है, और ये वो एरिया है जिसके अंदर लाइट का होना वगैरह पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसमें अंधेरा 2000 ये 3000 है, तो इसके 1000 और 3000 के दरमियान ये एरिया है, इतना एरिया जो है वो थोड़ा सा अंधेरा, बहुत अंधेरा नहीं लेकिन थोड़ा सा अंधेरा, इसे हमने बाइथल जोन का नाम दिया। और ये नीचे जो पूरा एरिया आएगा जो 2000 मीटर से लेकर 9000-10000, अभी डिपेंड करता है समंदर की गहराई कितनी है, वहाँ तक हमारा ये बाइथल जोन होता है, बहुत अंधेरा। और यहाँ पर कुछ समंदरों में आपको वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ भी नज़र आती, वॉल्केनो भी नज़र आती, चट्टाने जो लावा बना रही है, लावा निकाल रही है। ठीक है जी, तो ये हमारा बात हमने की आपको जोन्स ऑफ द सी या जोनेशंस की, और ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी की वजह से समंदर में लाइफ। अब हम बात करते हैं जनाब हमारे आगे, और हम आगे बढ़ते हुए आपको कहते हैं कि जी आपने फ्रेश वाटर देख लिया, मरीन वाटर देख लिया, अब ज़रा ड्राई लैंड पर चलते हैं, खुश्क जगह पर। टेरिस्टल इकोसिस्टम में हम एक सवाल अपना नोट कर लीजिएगा, आप किसी भी किस्म का सवाल आपको नज़र आएगा अगर 5 ईयर में टेरिस्टल इकोसिस्टम से रिलेटेड, तो आप देखिएगा उसमें बायोम्स का जिक्र किया जाएगा। पेज नंबर 263 पर बायोम्स का आपसे जिक्र किया जाएगा। बायोम्स क्या होता है जी? बायोम्स हमारा, हमारे जो टेरिस्टल इकोसिस्टम की जब आप बात करते हैं तो टेरिस्टल इकोसिस्टम में बायो जियोग्राफिकल रीजन्स डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लीट इंटरेक्शन ऑफ क्लाइमेट एंड बायोटिक फैक्टर्स। लेकिन कब लार्ज इजिली रिकॉग्नाइजेबल यूनिट कॉल्ड बायोम, एक बड़ा वास्ट एरिया जिसके अंदर क्लाइमेटिक फैक्टर्स और बायोटिक फैक्टर्स की बात या इंटरेक्शन की बात आप कर रहे हों, तो वो हमारा कहलाता है बायोम्स। बायोम्स को हम एक यूनिट के तौर पे भी लेते हैं टेरिस्टल इकोसिस्टम में। फिर हमने यूनिट यानी कि फॉरेस्ट की टाइप्स, डेजर्ट, ग्रासलैंड, सवाना, ये सब यूनिट्स बन जाते हैं। ठीक है ना, तो सिंगल एक एक अलग अलग टेरिस्टल इकोसिस्टम में आपके सामने बात आती है। तो सबसे पहले हम बायोम पढ़ेंगे, फॉरेस्ट इकोसिस्टम और फॉरेस्ट बायोम। ध्यान में रखिएगा, बायोम का मतलब जिसमें क्लाइमेटिक और बायोटिक फैक्टर्स हों, वहाँ का क्लाइमेटिक कैसा है? ठीक है ना, क्लाइमेटिक का मतलब आपका एज यूजुअल एबायोटिक कंपोनेंट्स, और बायोटिक फैक्टर का मतलब बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। तो बेसिकली बात वही है कि आपने एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम के एबायोटिक कंपोनेंट भी बताने और बायोटिक भी बताने। एबायोटिक मैंने पिछली बार भी जिक्र किया था, जैसे मिसाल भी दी थी आपको पॉन्ड इकोसिस्टम में, तो मैंने आपसे कहा था कि जब एबायोटिक कंपोनेंट की आप बात करेंगे तो हमारे 11th चैप्टर में जो हमने बहुत डिटेल से डिस्कशन किया था कि जी हमारे एबायोटिक कंपोनेंट में कौन कौन था, क्लाइमेटिक फैक्टर, टोपोग्राफी, एडैप्टिव फैक्टर्स, है ना। तो अब वहाँ पर फिर हमने फर्दर डिवीजन करके टेम्परेचर, लाइट, वाटर, फायर ये पढ़ा था, फिर हमने स्लोप पढ़ा, एक्सपोजर पढ़ा, सॉइल की पैरोजेनेसिस पढ़ी, ये सब डिटेल हमारी टेरिस्टल में हम इसको एक ही पैरा में डिफाइन कर देते हैं और सिर्फ उसे बताते हैं, उस कंपोनेंट को जो कंपोनेंट वहाँ एज अ एबायोटिक इम्पॉर्टेंट है, सबका नहीं जिक्र कर रहे होते हैं। ठीक है ना, तो अब हम पहले तो जनरली फॉरेस्ट की बात करें। फॉरेस्ट जो वर्ल्ड वाइड हम बात करते हैं तो कहते हैं कि 35-40% ऑफ द लैंड एरिया ऑफ द अर्थ
occupied by the forest. MCQs में आपसे पूछेंगे कि हमारे दुनिया का जो फॉरेस्ट एरिया वो कितना है, तो 35 से 40%। या पाकिस्तान का कितना है, तो पाकिस्तान में हमारे 6% हमारी जो ज़मीन है हमारी पाकिस्तान की, उसका लैंड एरिया वो आमतौर पर 6% फॉरेस्ट से भरा है, जंगल उसमें लगे हैं। फॉरेस्ट को दुनिया भर में जितने भी टाइप के फॉरेस्ट हैं उनको हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला कहलाता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। रेन बारिश इसमें ज़्यादा होगी, रेन का लगा आपने इस्तेमाल किया। दूसरा कहलाता है कॉनिफर फॉरेस्ट। कॉनिफर फॉरेस्ट याद है, कहीं पड़ा था कॉनिफर्स, जिम्नोस्पर्म वगैरह। तो ये हमारे माउंटेन एरिया पर जो फॉरेस्ट होगा, जहाँ पर जिम्नोस्पर्म्स या कॉनिफर्स मौजूद होंगे, कोन वाले उनके फ्रूट होंगे, उसे आप कॉनिफर्स फॉरेस्ट कहते हैं। तीसरा हमारा टेम्परेट दरमियाना फॉरेस्ट, जिसमें जहाँ ज़्यादा गर्मी नहीं है, ज़्यादा बारिश नहीं है, ज़्यादा रोशनी और हर चीज़ टेम्परेट पर दरमियाना। तो पहले आप जिक्र करते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ग्रो इन इक्वेटर रीजन। इक्वेटर रीजन कौन सा, किसका, हमारी ज़मीन जो गोल है ना, हमारी ज़मीन का गोल का जो दरमियानी सेंट्रल लाइन है, एक नॉर्थ पोल है एक साउथ पोल है, तो उसे जो डिवाइड आपने किया है उसे आप कहते हैं इक्वेटर प्लेट, है ना, याद है। ऐसे हमारी ज़मीन, ठीक है, ज़मीन का ये दो हिस्सों में डिवाइड करने वाला, इसे कहा जाता है इक्वेटर प्लेट। तो इक्वेटर रीजन, इस रीजन पर पूरी गोल दायरे में रीजन पर जहाँ जहाँ जो जो कंट्रीज मौजूद हैं वहाँ पर हमारे एरिया में ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मौजूद होता है। यहाँ पर ह्यूमिडिटी हाई है, ज़्यादा होती है, इसीलिए यहाँ बरसात या रेनफॉल ज़्यादा होता है, ठीक है, बारिश की क्वांटिटी ज़्यादा। अच्छा, बार दफ़ा ऐसा होता है कि 15-15, 20-20 दिन बारिश ही चल रही है, महीना महीना से बारिश रुक ही नहीं रही। कराची में तो आपके बारिश एक घंटा हो जाए तो हमें लग बदल जाता ना, लेकिन इस फॉरेस्ट में महीना महीना बारिश चल रही है जी, कंटिन्यूसली चल रही है, तो क्या हाल होगा। लेकिन चूँकि जंगल है तो एनिमल्स अपने आप को इस मुताबिक ढाल चुके हैं, तो वो उन्हें पता है कैसे सर्वाइव करना है। एनुअल एवरेज टेम्परेचर इज़ अबाउट 28 सेल्सियस। तो जो एनुअल टेम्परेचर साल का आप एवरेज निकालेंगे तो वो आमतौर पर यहाँ 28 होता है। 28 से ऊपर भी होगा गर्मी होंगी, 28 से नीचे भी होगा जब मौसम ठंडा होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नीचे नहीं होगा और बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं होगा, और 28 एक एवरेज टेम्परेचर हमें नज़र आता है, ठीक है। इसके ए बायोटिक कंपोनेंट देखिएगा, दो लाइनों में आप देख दें, हाई क्वांटिटी इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस आर प्रेजेंट इन सॉइल एंड एटमॉस्फेयर। ज़मीन पे यानी जो इसका फ्लोर है उस पर पौधों के बाकियात मौजूद हैं, और उसी वजह से वहाँ ऑर्गेनिक मटेरियल बहुत है, इनऑर्गेनिक मटेरियल बहुत है। और हवा में पानी की नमी, क्योंकि आपने कहा था ह्यूमिडिटी एरिया होता है, तो ह्यूमिड है तो बड़ा ज़बरदस्त कंपोनेंट्स वहाँ भी मौजूद हैं। अब आप इसमें बहुत ज़्यादा किसी और चीज़ का टेम्परेचर का आपने जिक्र कर दिया, ह्यूमिडिटी का जिक्र कर दिया, है ना, तो अब आपको कुछ और बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और डायरेक्टली आप कहाँ आ जाएंगे, इसके बायोटिक कंपोनेंट्स पर आ जाएंगे। बायोटिक कंपोनेंट कहीं पर भी आप लिखेंगे वही हेडिंग्स के साथ, प्रोड्यूसर्स कौन है, कंज्यूमर्स कौन है, कंज्यूमर्स की टाइप, और फिर डीकम्पोजर्स, ठीक है। और यहाँ हमारे पास ये होगा जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि जब आप किसी इकोसिस्टम को डिफाइन कर रहे हो तो वहाँ रहने वाले जो हमारे इकोसिस्टम के प्लांट्स, अगर आप प्रोड्यूसर्स की बात करें तो वो, और अगर एनिमल हैं तो उनकी आपको बायोलॉजिकल नेमिंग करनी है, बायोलॉजिकल लिखने कॉमन लिखने। तो प्रोड्यूसर्स यहाँ पर फ्लोरा इज हाईली डाइवर्सिफाइड, भाई ज़बरदस्त ज़रखेज़ ज़मीन है, तो यहाँ पर जो
फ्लोर होता है वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त मट्टी या सॉइल होती है और पानी भी अवेलेबल है, तो लिहाजा फ्लोरा यानी प्लांट्स की अच्छी वैरायटी यहाँ मौजूद होती है। और इस फॉरेस्ट को हम 3 स्टोरी बिल्डिंग में डिवाइड कर सकते हैं। बिल्डिंग से मुराद है कि स्टोरी बना सकते हैं आप किस बेस पर, द अपर कैनोपी, कैनोपी कहते हैं स्टोरी को, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ वेरी टॉल ट्रीज ऑफ अबाउट 40 मीटर्स इन हाइट। तो पहली वो कैनोपी यानी बिल्डिंग का एरिया जो सबसे ऊंचा है वहाँ पर 40 मीटर बुलंद दरख्त मौजूद हैं। फिर दूसरी जिसको हम इंटरमीडिएट कहते हैं कैनोपी या स्टोरी, वहाँ पर 30 मीटर हाइट वाले दरख्त मौजूद हैं। और फिर हमारा थर्ड या लोअर स्टोरी जिसे में 20 मीटर से बड़े दरख्त ऊँचे नहीं होंगे। तो 3 स्टोरीज हमें नज़र आ रही होती, जैसे भी हमने प्रीवियस डायग्राम में देखी, अभी फिर डायग्राम दिखाते हैं। ड्यू टू लेस लाइट फॉरेस्ट फ्लो इज कवर्ड बाय हाइग्रोफाइट सच एज फर्न्स। अब ये तो गहराई तो नहीं है ना, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जैसे समुद्र की गहराई में तो गहराई इसलिए डीप होने की वजह से लाइट वहाँ पेनिट्रेट नहीं कर रही थी, वहाँ पर समंदर के पानी में नमक भी है, दूसरे इनऑर्गेनिक मटेरियल में, वो लाइट को आगे नहीं जाने दे रहा, और फिर डीप भी बहुत है। अब ये तो बहुत ज़्यादा डीप नहीं है, 40 मीटर ही तो है मैक्सिमम, लेकिन ऊपर से प्लांट के जो पौधों के जो लीव्स हैं उनकी जो ब्रांचेस हैं वो आपस में इतनी एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो जाती हैं कि लाइट नीचे फ्लोर पर अच्छी तरह पेनिट्रेट नहीं कर पाती। और बाज जगह तो ऐसी भी है इन डीप जंगल में, अमेजोन जंगल जो सबसे बड़ा जंगल है हमारा, उसमें बाज जगह तो ऐसी है कि आप दिन के अंदर जब उसमें जा रहे होंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपको अंधेरा और फिर बिल्कुल ही अंधेरा मिल जाएगा, यानी कि आपको लाइट्स ऑन करनी पड़ेंगी, लेकिन दिन होगा। और वजह ऊपर हमारे जो प्लांट्स की ब्रांचेस हैं वो आपस में बहुत ज़्यादा एक दूसरे मिली हुई, तो नीचे वो लाइट को पहुँचने ही नहीं दे रहे, तो लाइट अंधेरा कर रही है। तो ऐसी जगह पर हमारे फर्न्स यानी हाइग्रोफाइट्स, ठीक है, हाइड्रो नहीं, हाइग्रोफाइट्स या फिर एपीफाइट्स लाइक ऑर्चिड। एपीफाइट कौन से होते हैं, जो हमारे दरख्तों की ट्रंक्स पर ब्रांचेस पर ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। और दीज फॉरेस्ट आर ऑल्सो आ ग्रेट सोर्स ऑफ टिम्बर। ये जो दरख्त हमारे इस जंगल में इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, लिहाजा इसको हम टिम्बर के तौर पर भी यूज़ करते हैं। टिम्बर हम लकड़ी को कहते हैं जिस लकड़ी से आप अपने लिए कारामद चीज़ें बना लें, फर्नीचर है और दूसरी चीज़ें वो आप यूज़ कर लें। यहाँ पर कंज्यूमर कौन होगा, कंज्यूमर में प्राइमरी कंज्यूमर हर्बी हो रहा है जो प्लांट डेफिनेटली खाएगा, लाइक आंट्स हैं, बीटल्स, लीफ हॉपर्स हैं, बर्ग्स हैं, स्पाइडर्स हैं, मंकी हैं, श्रूज हैं, बैट्स हैं, तो ये सब के सब जो हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं हर्ब्स को खाने वाले। एमसीक्यूज लगा लीजिएगा, यहाँ पर हमारे 85% ऑफ लिविंग स्पीशीज ऑफ बर्ड्स मौजूद है, यानी मिसाल के तौर पे अगर आप कह दें कि जी 100 स्पीशीज़ हैं पूरी दुनिया में बर्ड्स की, तो 100 में से 85 स्पीशीज़ ऑफ द बर्ड्स आर प्रेजेंट इन अ कहाँ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, और 15% बकिया जो इकोसिस्टम्स हैं उनमें बर्ड्स की स्पीशीज मौजूद हैं। और इसकी बेसिक वजह यह है कि यहाँ पर रहने वाले परिंदे यहाँ जो वृक्ष बस गए हैं उनकी यहाँ पर स्पेशल जो फ्लावरिंग है, फ्रूटिंग है, वो वजह है, क्योंकि इनके जो सीड इनको खाने हैं, जो फ्रूट इनको खाना है, वो इन्हीं जंगलात में आपको मिलता है, वो बाहर किसी और जंगल में नहीं मिलता, लिहाजा इनकी डाइवर्सिटी जो है वो बाहर की तरफ नहीं होती बल्कि जंगल के अंदर की तरफ हमें नजर आती है, ठीक है जी। सीड एंड फ्रूट और फ्रूट नेक्टर ऑफ द प्लांट्स ये सब पर डिपेंडेंट होते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर्स कौन होगा जी, प्राइमरी तो होगा जो फ्रूट खा रहे हैं, प्लांट को खा रहे हैं, और सेकेंडरी कंज्यूमर, द सेकेंडरी कंज्यूमर्स ऑफ द बीज फॉरेस्ट आर एबोरियल। एबोरियल ऐसे हम
एनिमल्स को कहते हैं जो बोरियल नहीं, बोरियल कहते हैं जो जमीन पर रहें, चले फिरें या उनकी हैबिटेट हो, और जिनकी दरख्तों पर हैबिटेट हो उनको हम एबोरियल कहते हैं। लाइक ट्री स्नेक्स, प्रीडेटरी बर्ड्स, फ्रॉग्स। अब ये फ्रॉग्स हैं, इनमें सारे फ्रॉग हैं, लेकिन कुछ हैं जो लीफ फ्रॉग्स हैं, कुछ हैं जो ट्री फ्रॉग्स हैं, वो हमें यहाँ नज़र आते हैं। अच्छा, वो अंडे देने वही नीचे ही आएंगे पानी में, लेकिन उसके बाद वो बाकी ज़िंदगी अपनी दरख्तों के पत्तों पर, दरख्तों के ब्रांचेस पर गुजार रहा है। टर्शियरी कंज्यूमर्स जो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को खा सकते हैं, स्नेक्स हैं, प्रीडेटरी बर्ड्स हैं, वो हमारे कहलाते हैं टर्शियरी कंज्यूमर्स। डीकम्पोजर्स कौन होगा? एज यूजुअल वही, हर इकोसिस्टम में आपको डीकम्पोजर कौन मिलेगा? बैक्टीरिया एंड फंजाई, यहाँ पर भी वही, ठीक है। अच्छा, अब ये जो हम थ्री स्टोरी बिल्डिंग की बात कर रहे थे, कैनोपी की, ये देख लेते हैं आप, ताकि आपको आइडिया हो जाए। ये 40 मीटर वाला ऊंची जगह पर, इसे हम इमर्जेंट लेयर कहते हैं। बर्ड्स, बैट्स, बटरफ्लाई लिव इन द टॉप ऑफ द टॉलेस्ट ट्री, दैट इज कॉल्ड इमर्जेंट लेयर। इन द टॉप ऑफ द शॉर्टर ट्रीज और कैनोपी यू कैन फाइंड एनिमल्स सच एज टर्कल्स एंड मंकीज। ये हो गया हमारा 30 मीटर वाला, ये 30 मीटर, ठीक है। और उसके बाद ये हो गई हमारी 20 मीटर अंडर स्टोरी बिल्डिंग, तीसरा फ्लोर, और उसके नीचे का जो एरिया है, ये यहाँ पे छोटे दरख्त भी हो सकते हैं, ट्रंक पर पैदा होने वाले फर्न्स भी हो सकते हैं, और जो ग्राउंड एरिया है उसे फॉरेस्ट फ्लोर आप कहते हैं, ठीक है। वहाँ पर आपको जैगुआर्स, जो चीते की तरह होता है लेकिन छोटा होता है और लाइनिंग नहीं होती उसमें, जैसे लेपर्ड है ना डॉट, ऐसे ही इस पर भी डॉट से, ठीक है जी। तो ये हमारा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की कंडीशन थी, और वहाँ में अगर आपसे पूछा जाए तो उसके आंसर में आपने ये बातें लिखी। डायग्राम हम इस चैप्टर में से यूजुअली कोई भी हमारे बनाने की हमें ज़रूरत नहीं होती। जोनेशन में आप बेशक थोड़ी सी जो बुक में डायग्राम बनी है वो आप बना सकती हैं, बना सकते हैं। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के बायोम में हम दूसरी बात करते हैं, कॉनिफर फॉरेस्ट। कॉनिफर फॉरेस्ट में हम दो बातें कर सकते हैं, दो सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। एक तो वही कि डिफाइन द बायोम्स ऑफ कॉनिफर फॉरेस्ट, दूसरा आपसे बोला जाता है डिफाइन द कॉनिफर फॉरेस्ट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। डिफाइन द कॉनिफर फॉरेस्ट ऑफ पाकिस्तान, दोनों बातों में आपको इंट्रो एक ही आप ऐड कर देते हैं कि कॉनिफर फॉरेस्ट क्या है, वो तो दोनों जगह फिट होगा ना, ठीक है। फिर पाकिस्तान की लोकेशन, लोकेलिटी में कहाँ कहाँ पर कॉनिफर फॉरेस्ट मौजूद है, वो आपको बस ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अगर सिर्फ और सिर्फ कॉनिफर फॉरेस्ट पूछा, पाकिस्तान नहीं है, तो फिर आप पाकिस्तान का पैराग्राफ लिखें या ना लिखें आपकी मर्जी, ठीक है। तो हम पहले बात करते हैं कि कॉनिफर फॉरेस्ट आर द एवरग्रीन कोल्ड रेजिस्टेंट प्लांट विच बिलोंग टू जम्मू। तो ये कोल्ड रेजिस्टेंस प्लांट है सर्दी में, क्योंकि माउंटेन एरिया में तो वैसे सर्दी होती है, तो ये उसे रेजिस्ट करते हैं। फिर इन्होंने अपने अंदर एडॉप्टेशंस भी पैदा की हुई हैं, और ये एवरग्रीन प्लांट कहलाते हैं। एवरग्रीन साल के पूरे 12 महीने इनको ग्रीन या हरा रहना पड़ेगा, चाहे इनके ऊपर बर्फ क्यों ना पड़ी, ठीक है। ये लीफ फॉलिंग नहीं करेंगे, वैसे लीफ टूट जाएगा बेशक, लेकिन ये एक जो हमारा खिजा का मौसम आता है लीफ फॉलिंग का, वो ये नहीं करते, इसीलिए इनको एवरग्रीन प्लांट कहते हैं। दे आर फाउंड एट हाई एल्टीट्यूड एंड ऑल्सो एट हाई लैटीट्यूड, ये ऊंची जगह पर, ऊंचे लैटीट्यूड पर, माउंटेन एरियाज पर आपको मिलते हैं। कॉनिफर फॉरेस्ट कवर मोर फॉरेस्ट इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एज कम्पेयर टू साउथर्न। तभी जब हमने जमीन की थोड़ी सी एक आइडिया आपको शक्ल में बना के दी, तो उसमें बीच में हमने इक्वेटर डाल दिया, तो एक हिस्सा नॉर्दर्न और एक साउथर्न। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये ज़्यादा उस पार्ट में है, और जो साउथर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पर हमारे
पानी में फॉरेस्ट थोड़े से कम। क्लाइमेटिक कंडीशन, जैसे एबायोटिक भी कहते हैं ना आप, तो आपने क्लाइमेटिक कंडीशन क्यों नहीं लगा दी, एबायोटिक की लगा दी, एक ही बात है। विंटर इज वेरी सीवियर, बर्फबारी भी हो गई और बर्फबारी होने के बाद बर्फ 3 महीने या 4 महीने तक खड़ी रही, फिर वो पिघलना शुरू होगी, पानी निकलना शुरू होगा, ये विंटर जो होता है काफ़ी सख्त होता है। कैरेक्टराइज बाय हैवी स्नो, सो द कंडीशन बिकम 0 फाइटिंग। जीरो फाइटिंग क्यों हो गई, क्योंकि बर्फ तो है लेकिन पानी नहीं, याद रखिएगा। जीरो फाइटिंग कंडीशन का मतलब सिर्फ डेजर्ट नहीं होता, खुश्क जगह नहीं होती, बल्कि वो जगह भी है जहां पर बर्फ बन गया है पानी, बर्फ बन गया ना, बहरहाल अब वो पानी तो नहीं है, तो पौधों के तो इस्तेमाल में नहीं आएगा, एनिमल के इस्तेमाल में भी नहीं आएगा। चलो एनिमल हम जैसे हैं तो हमने कप में डाल के गर्म कर लिया और पानी बना के पी लिया, वो तो अलग मैटर है, लेकिन दूसरा कोई एनिमल तो यूज़ नहीं कर सकेगा ना उसको, तो इसलिए हम उस जगह को, उस कंडीशन को जीरो फाइटिंग कंडीशन कहते हैं। देयरफॉर द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स आर नीडल लाइक, तो पौधों ने क्या किया, अपनी लीव्स को नीडल लाइक बना दिया ताकि बर्फ जो है उन पत्तियों पर रुके ना, और रुके तो कम से कम तादाद, अगर लीफ का लमेला चौड़ा होता जैसे हमारे यूजुअली ग्राउंड एरिया के प्लांट्स में होता है, चाहे वो एंजियोस्पर्म में कोई भी टाइप हो, तो अगर वो चौड़ा पत्ता होता तो बर्फ उसके ऊपर ज़्यादा जम जाती और पत्ता टूट जाता, तो इसके लिए तो बड़ा मसला हो जाता, इसलिए इन्होंने क्या किया लिटिल लाइक लीफ अपने रखे। एग्जाम्पल है इसमें पाइंस, जो पाइन चिरगोजा आपने सुना आजकल बड़ा इन है जी, महंगा है ना इसलिए बड़ा इन है, तो कोई 8,000-10,000 रुपये क्या किलो है, हमने तो खैर बचपन में बहुत खाया, अब तो हम ना बच्चों को खिला सके ना खा रहे हैं आजकल। बहरहाल तो फायर या स्प्रस जिम्नोस्पर्म की प्लांट्स हैं जो वहाँ हमें मिलते हैं इस क्लाइमेटिक कंडीशन में, और बिस्ट विलो या पॉपुलस जो डाइकोटिलेडन प्लांट्स हैं वो भी हमें मिलते हैं इस एक्सट्रीम कंडीशन में। कॉनिफर फॉरेस्ट ऑफ पाकिस्तान, जो आपने यहाँ लिखना है, अगर सवाल कॉनिफर फॉरेस्ट ऑफ पाकिस्तान पूछा जाए तो इस पैराग्राफ को आप पहले लिखें, बाकी दोनों पैराग्राफ बाद में लें। इन पाकिस्तान कॉनिफर फॉरेस्ट आर फाउंड इन कागान, सवा, दीव, मरी हिल्स, चिल्लास। चिल्लास जो वो इलाका है जब हम गिलगित की तरफ निकलते हैं गिलगित वाले रूट पर, तो वहाँ पर रास्ते में एक एरिया चिल्लास आता है, बहुत अल्पाइन की तरफ, ठीक है जी। यहाँ पर अब चाहे पाकिस्तान की बात कर रहे हो या वर्ल्ड की बात कर रहे हो, कॉनिफर कॉनिफर है, ठीक है ना, तो वहाँ किसी भी जगह पर आप कॉनिफर फॉरेस्ट में प्रोड्यूसर्स की बात करेंगे, मेन प्लांट ऑफ दीज एरियाज आर, तो वहाँ पर आपको नाम बताने होंगे, स्पेशली ये जैसे हमने नाम लिख दिए, पाइनस सेक्चुलसा, पाइनस गैरंडियाना, सेड्रस डियोदरा, डियोदर भी होता है जिसको हम कहते हैं शीशम, ठीक है, टेक्सस बकाटा। इसी तरह ग्राउंड फ्लोर पर इट कंसिस्ट ऑफ मॉस, जो ग्राउंड एरिया वहाँ पे मॉस है, लाइचिन है, मेंबर ऑफ एरिकेसी फैमिली या फिर रोजेसी फैमिली, उसके मेंबर भी आपको मिल जाते हैं। हर्बीवोरस एनिमल में शीप, डियर, वाइल्ड गोट, स्क्वायरल, बहुत डिफरेंट टाइप के इंसेक्ट, बर्ड्स, जबकि जो कार्निवोरस हैं जिनको आप सेकेंडरी कंज्यूमर्स भी कहते हैं, वुल्फ्स, लेपर्ड, लेनेक्स, ओहो ये क्या बात, ये पाकिस्तान के, हम आपको कश्मीर के इलाके और ये हमारा दीर का इलाका देख लें आप कैसा, ये जो है अल्लाह, ये जो है ना ये वाले आपको नज़र आ रहे हैं, ये तो दूर है तो इसलिए आपको ज़्यादा क्लियर नहीं हो रहा, लेकिन ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये हमारे कॉनिफर्स होते हैं, ठीक है ना, और ये भी इसी जगह पर, ये इस जगह पर जो है कॉनिफर भी हैं, डाइकोटिलेडन प्लांट्स भी हैं, बहुत ज़बरदस्त जगह पाकिस्तान के अंदर है। अगर आप कभी मौका मिले, अल्लाह ताला आपको मौका दे रिसर्च करने या वैसे घूमने फिरने का, तो आप देखेंगे और देखकर आप बस
परेशान ही हो जाएंगे। क्यों परेशान हो जाएंगे? क्योंकि कुदरत को, नेचर को जितना करीब से आप देखेंगे उतनी आपकी परेशानियाँ बढ़ जाएंगी। अंदर से आपको आवाज़ आएगी कि जी हमने तो कुछ भी नहीं देखा, और फिर हमने जब देखा तो फिर अल्लाह का शुक्र कितना करें, जितना भी करें कम ही होगा, ठीक है ना। तो फिर नेचर को, हमने पहले भी आपसे कहा था कि जो एक अच्छा सर्जन होता है और उसमें 99% सर्जन नेचर के बड़े करीब पहुंच जाते हैं और अल्लाह के बड़े करीब हो जाते हैं। तीसरा, हमारा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में टेम्परेट, ठीक है, टेम्परेट में हम टेम्परेट भी कहते हैं और डिकिडियस फॉरेस्ट भी कहते हैं। डिकिडियस वो जो अप्लाई टू दोज प्लांट विद शेड ऑफ देयर लीव्स ड्यूरिंग विंटर सीजन, और ये एक बार अपने पत्तों को उतारते हैं, ठीक है ना, फिजा बहार जिसे हम कहते हैं। ये फॉरेस्ट में भी ड्राई, मॉनसूनल, मॉइस्ट, सेमी डिकेडियस, ठीक है, ये खुश्क वाले इलाके में भी हो सकते हैं जहाँ बरसात मौजूद होती है मॉनसूनल टाइम पर, है ना, मानसून की होती है जुलाई में हमारे यहाँ होती है, या मॉइस्ट जगह पर भी आपको ये नजर आ सकता है। दुनिया में अगर हम बात करें तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर फाउंड इन पार्ट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ईस्टर्न एशिया, चाइना, जापान, सेंट्रल यूरोप, और जबकि साउथर्न हेमिस्फेयर में हम टिपिकल फॉरेस्ट डू नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि वहाँ सर्दी ज़्यादा है, जिसकी ये ज़रा कम ही होती है। क्लाइमेटिक कंडीशन यानी एबायोटिक कंडीशन कैसी है? मॉडरेट टेम्परेचर होता है, दरमियाना, एवरेज रेनफॉल ऑफ अबाउट 100 सेंटीमीटर, एमसीक्यू में लिख लीजिएगा। इन दीज रीजन विंटर एंड समर सीजन आर ऑल्सो फाउंड, देयरफॉर दीज एरियाज आर लार्जली यूज फॉर, इस एरिया में हमारे समर और विंटर का एक डिफरेंस है। जबकि हमने कॉनिफर फॉरेस्ट की बात की हाई एल्टीट्यूड में, तो वहाँ समर और विंटर का बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, यानी हम जून जुलाई में ही जाते हैं ना मरी वरी कागान वगान घूमने, इस सर्दी में तो हम जा भी नहीं सकते, हमारा बुरा हाल हो जाएगा। और जून जुलाई में हम जाते हैं तो हम मौसम की इंजॉयमेंट कर रहे होते हैं, मौसम ठंडा है जी हमें मिल रहा, तो सर्दी और गर्मी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं। लेकिन यहाँ पर सर्दी और गर्मी का वाज़े डिफरेंट है। इसी तरह जिस तरह हमने आपसे कॉनिफर फॉरेस्ट ऑफ पाकिस्तान की बात की थी, इसी तरह आपसे टेम्परेट फॉरेस्ट ऑफ पाकिस्तान या टेम्परेट डिकेडियस फॉरेस्ट ऑफ पाकिस्तान भी पूछा जा सकता है, ठीक है। फ्लोरा यहाँ पर डिफरेंट हैं, जो कि ज़्यादातर फल हैं हमारे, और इसीलिए हम यहाँ बहुत अच्छी कल्टीवेशन भी करते हैं, उगाते हैं चीज़ों को, सब्जियों को, फलों को, पीच, ओक, मैपल, इन शोग्रान एंड नीलम वैली ऑफ आज़ाद कश्मीर, पाइनस वेलिकानिया, ये हमारा जिम्नोस्पर्म है, टेक्सस बकाटा जो कि हमने आपने पहले भी जिक्र किया, ये जिम्नोस्पर्म है, तो ये वहाँ जो हमारा जिम्नोस्पर्म है वो भी यहाँ मौजूद है, और ये हमारा डाइकोटिलेडन है। द ग्राउंड फ्लोरा इज ऑल्सो मच रिच है, ग्राउंड पर भी बहुत सारे प्लांट मौजूद हैं, फर्न्स मौजूद होता है, मॉस होता है शेरी एरिया में, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं बड़े ज़बरदस्त खूबसूरत फूलों वाले, और स्प्रिंग में फिर अलग अलग डिफरेंट सीजन में फिर डिफरेंट फ्लावरिंग प्लांट्स आ जाते हैं। फाना रिच ऑफ द फ्लोरा है तो रिच ऑफ द फाना भी होगा। मेनी काइंड्स ऑफ इंसेक्ट्स, बर्ड्स, मैमल्स फीड अपॉन प्लांट्स, तो फिर प्रीडेटर्स ऑफ दिखे फॉरेस्ट आर ऑल फॉक्स, बेयर, ये हमें वहाँ नजर आ रही, ठीक है जी। उफ़ अल्लाह अकबर, ये फॉरेस्ट ऑफ पाकिस्तान, सुभान अल्लाह, जाए बंदा तो बस यहीं बैठा रहे हैं। और अब ये देख लें आप, वो फिजा में जब पत्ते गिरते होंगे जब कैसा लगता होगा, तो भाई जबरदस्त जबरदस्त जगह, मैंने तो आपको पहले कहा ये वन ए वन, ठीक है जी। तो हमारा आज हम यहीं रुक जाते हैं, क्योंकि फिर आगे हमारा नया टॉपिक शुरू हो जाएगा ग्रासलैंड का, तो हम आज अपना जिक्र यहीं कर देते हैं। आपने से कोई सवाल अगर पूछना चाहता है तो पूछ लें, और